आज की वीडियो ये हमारा लुमिनस इको वोल्ट कंट्रोलर कार्ड पर रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक पिन डिटेल है जो कि लुमिनस का इको वोल्ट आती है, उसकी ये कंट्रोलर कार्ड की पिन डिटेल है और ये इसकी कंट्रोलर कार्ड है। ये देख रहे हैं, इसकी कंट्रोलर कार्ड है। तो आप यूट्यूब सर्च कर लें, इसकी आपको पिन डिटेल नहीं मिलेगी। इसकी पिन डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो फुल देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी पिन कहाँ पर यूज़ होती है। जो जो मेन पिन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। कुछ पिन इसमें खाली भी है, इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पिन आपको मेन है वही मैं आपको इसमें बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो आपको इसमें देखना है कि कंट्रोलर कार्ड में इसमें कहाँ से इसमें काउंटिंग स्टार्ट होती है। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें 1-2 लिखी हुई है, तो इसमें यहाँ से आपको काउंटिंग नहीं करनी है। ये इसकी साफ़े उलट होती है। जैसे एक नंबर है, इसको 2 माने। मैं आपको इसकी कार्ड दिखाता हूँ। ये कंट्रोलर कार्ड है, इसकी मैं PCB दिखाता हूँ जहाँ पर ये यूज़ होता है। तो PCB में हमारा ये रहा, तो देख रहे हैं ये PCB इसमें यूज़ होता है। ये कंट्रोलर कार्ड यहाँ पर यूज़ होता है। तो आपको इससे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ना कि इसमें से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। इसका 1-2 नंबर नहीं यूज़ होगा, लेकिन इसका 1-2 नंबर यूज़ होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं 1-2, यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से लेकर 22 पिन तक यहाँ पर है। तो आपको इसी यहाँ से इसमें ध्यान देना है। तो ये हमारा कंट्रोलर कार्ड है, ये यूज़ होता है लुमिनस के इको वोल्ट वाले में, जो कि 4 हीट सिंक लगी रहती है उसमें ये कंट्रोलर कार्ड यूज़ होता है। और बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, बहुत ही इसमें सिस्टम वर्किंग अच्छी करती है। तो ये हमारा ओल्ड मॉडल है, तो आप मुझे कमेंट करें न्यू मॉडल की, वो भी मैं आपको बनाकर दे दूँगा। तो ये कंट्रोलर कार्ड यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लुमिनस इको वोल्ट कंट्रोलर कार्ड पिन डिटेल इको वोल्ट का है। इको वोल्ट प्लस माने आप, इको वोल्ट प्लस जो आती है उसकी, न्यू मॉडल नहीं है, ये इको वोल्ट प्लस की है। तो हमारा 1 नंबर देख रहे हैं, इसमें 1 नंबर यूज़ नहीं है, इसमें 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर इसमें ड्राइव है। PWM पल्स जो ड्राइव जाती है ड्राइवर IC पर, वो हमारी पिन नंबर 2, 4, 6 और 8 है, जो कि हाई साइड और लो साइड के लिए यूज़ होती है। तो पिन नंबर 2 हमारा ड्राइव है, पिन नंबर 3 खाली है, पिन नंबर 4 ड्राइव है, पिन नंबर 5 हमारा फ़ैन ड्राइव है, जो आपके फ़ैन जो लगी रहती है पीछे हीट सेंस करने के लिए, जो आपकी हीट ऑब्जर्व करती है वो हमारी फ़ैन यहाँ से कंट्रोलर कार्ड से निकलती है, यहाँ से निकलेगी, जो काफ़ी आपकी फ़ैन जो पीछे वर्क करती है वो ऑपरेट होगा। और पिन नंबर 6 ड्राइव है, और पिन नंबर 7 है वो हीट सेंस है। हीट सेंस कहाँ यूज़ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये कार्ड है, कार्ड में हमारे ये NTC लगा हुआ है यहाँ पर, जो मैंने निकाल लिया हूँ इस PCB से। यहाँ पर एक NTC लगी रहती है, वो यहाँ पर यूज़ होती है, जो कि यही NTC हीट सिंक पर कनेक्ट रहती है। जैसे हीट होगा वो हमारा फ़ैन ऑपरेट कर देगा। तो ये NTC पिन नंबर 7 देख रहे हैं, पिन नंबर 7 पर हीट सेंस है, यही आपकी ये कनेक्ट होती है। और पिन नंबर 8 है वो हमारी ड्राइव है, पिन नंबर 9 इसकी ग्राउंड है, जो कि नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहती है। पिन नंबर 9 और इसकी पिन नंबर 21 जो है वो हमारी ग्राउंड है। देख रहे हैं, जैसा कि पिन नंबर 21 वो हमारी ग्राउंड है, और पिन नंबर 9 है वो ग्राउंड है, जो कि नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहती है। और पिन नंबर 10 है वो हमारा बैटरी सेंस है, जो कि लो बैटरी और ओवर चार्ज होती है वो हमारी सेंस करती है, बैटरी सेंस। और पिन नंबर 11 और 12 वो हमारी खाली रहेगी, जो कि इसमें आपको यूज़ नहीं है, जो कि कंट्रोलर कार्ड में ये हमारी यूज़ नहीं है। पिन नंबर 11 और 12 इसमें यूज़ नहीं है। और पिन नंबर जो 13 है वो आपकी बजर ड्राइव, अगर आपकी बजर नहीं बोल लिया उस केस में आपको पिन नंबर 13 पर चेक करना है कि पिन नंबर 13 पर ड्राइव दे रही है कि नहीं। अगर ये ड्राइव नहीं देगी पिन नंबर 13 पर, आपकी बजर नहीं बोलेगी। बजर कहाँ पर लगा हुआ PCB वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बजर के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी बजर का, तो यहाँ पर पिन नंबर 13 से कनेक्ट है, जो कि एक ट्रांजिस्टर के थ्रू इसमें वोल्टेज दी जाती है। तो बजर नहीं बोल रही है तो आपकी पिन नंबर 13 चेक कर लेना। और पिन नंबर 14 है वो हमारी मेन सेल्स है। तो इसमें आपको ध्यान देने की बात ये है, पिन नंबर 14 और पिन नंबर आप जो 20 देख रहे हैं वो हमारी मेन सेंस का है। पिन नंबर 14 जो कि पिछले मॉडल में जो हमारी इन्वर्टर सब आती थी, जैसे माइक्रोटेक हो गया, लुमिनस हो गया और सब जो पहले आते थे, तो इसमें अलग तरीक़े से इसमें मेन सेंस करवाया गया और फीडबैक सेंस भी अलग तरीक़े से। तो मेन सेंस के लिए पिन नंबर 14 है, जो कि ये देख रहे हैं पिन नंबर 14, मैं आपको दिखा देता हूँ PCB में। यहाँ से एक ट्रांसफार्मर लगे थे, छोटी वाली ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ये कुछ रेजिस्टेंस लगा के और ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो हमारी पिन नंबर 14 बन जाएगी। एक पिन इसकी ये देख रहे हैं, ये
रेजिस्टेंस से पिन नंबर 14 पर जाएगी और एक पिन हमारा पिन नंबर 20 पर कनेक्ट रहेगा। ये देख रहे हैं पिन नंबर 20 वो हमारी कनेक्ट रहेगा ट्रांसफार्मर की इस वाली तार से, ये वाली यहाँ से कनेक्ट रहेगा पिन नंबर 20 पर। पिन नंबर 14 पर ये रेजिस्टेंस के थ्रू जाती है, पिन नंबर 14 पर मेन सेंस। तो पिन नंबर 14 हमारा मेन सेंस है, पिन नंबर 15 खाली है, इसमें नो यूज़ है। पिन नंबर 16 रिले ड्राइव है। अगर आपकी रिले वर्क नहीं कर रही है तो आपको पिन नंबर 16 पर देखना है कि ये हमारे ड्राइव दे रहे नहीं। यहाँ पर रिले लगा रहा था हमारा, ये रिले के लिए है और रिले के साथ ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पर निकला हुआ है, ये ट्रांजिस्टर लगा रहता है तो रिले को ऑन या ऑफ करवाता है। तो आपको देख लेना है अगर रिले आपकी वर्क नहीं कर रही है तो पिन नंबर 16 पर देखें आपकी ड्राइव आ रही है नहीं कहीं। अगर नहीं आ रही है तो आपकी रिले ऑपरेट नहीं होगी, तो समझ लें आपकी ये कंट्रोलर कार्ड ख़राब हो गई। तो आप पिन नंबर 17 देखें, वो हमारी खाली है। पिन नंबर 18 है, वो फीडबैक सेंस है। तो मैं आपको बताया हूँ जैसे कि मेन सेंस और इसमें फीडबैक का कुछ आपस में कनेक्शन, जैसे कि इसमें जीरो क्रॉस सेंस नहीं है तो फीडबैक से और ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है मेन सेंस का उसी से इसमें जीरो क्रॉस सेंस करवाया गया। पिन नंबर 18 वो हमारा फीडबैक सेंस है। देखें ये देख लें पीसीबी में इसके एक पिन, ये फीडबैक लिखा हुआ है टीएक्स फीडबैक। तो एक पिन हमारी पिन नंबर 18 से कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है और एक पिन हमारी इस ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से कनेक्ट है जो कि डायरेक्ट कंट्रोलर कार्ड की पिन नंबर 20 पर गई हुई है। तो आपस में इसमें कनेक्शन है फीडबैक का और मेन सेंस का। तो एक पिन हमारा फीडबैक का जो कनेक्ट है वो 18 नंबर पिन पर कंट्रोलर कार्ड के, और पिन नंबर 20 है वो हमारी पॉजिटिव सप्लाई है जो कि आपकी ये ऑपरेट नहीं हो रही है। तो आप समझ लें यहाँ पर चेक करें अगर 3.3 वोल्ट नहीं आ रही है LM317 से, जो कि ये कंट्रोलर कार्ड हमारा, ये वाला कंट्रोलर कार्ड हमारा ये 3.3 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, ना कि 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। ये कि हमारा 3.3 वोल्ट इसमें इनपुट नहीं आएगी तो समझ लें ये हमारे कंट्रोलर कार्ड डेड रहेगा। अगर आपकी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो समझे कि ये वाला हमारा माइक्रो कंट्रोलर ये हमारा ये शॉर्ट हो गया। अगर ये शॉर्ट हो जाती है तो हमारे वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। तो आपको ये चेक करना है पिन नंबर आपको 19 पर चेक कर लेना है 3.3 वोल्ट आ रही कि नहीं। ये देख लें ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये मैंने लिख दिया हूँ प्लस 3.3 वोल्ट LM317 से डायरेक्ट आउटपुट आती है। LM317 कहाँ लगा हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं 317 यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिलेगी जो कि डायरेक्ट कंट्रोलर कार्ड के पिन नंबर 19 पर कनेक्ट है। और पिन नंबर 20 हमारा मेन सेंस है, मेन सेंस में और फीडबैक इसमें आपस में कनेक्शन है फीडबैक सेंस और जो कि फीडबैक से ट्रांसफार्मर से आती है एक वायर जो कि इसमें कनेक्ट रहती है पिन नंबर 20 पर, और फीडबैक अब मेंस पर यहाँ पर कनेक्ट रहती है, ये वाला यहाँ पर कनेक्ट रहती है एक वायर और एक वायर हमारा फीडबैक से कनेक्ट रहता है यहाँ से जो कि पिन नंबर 20 पर चला जाता है। और पिन नंबर 21 है वो हमारा ग्राउंड है जो कि नेगेटिव सप्लाई है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा। और पिन नंबर 22 है वो हमारा स्विच है जहाँ से इन्वर्टर को आप ऑन या ऑफ करते हैं। अगर आपकी ये हमारी सेट डेड है तो उस केस में आपको पिन नंबर 22 पर डायरेक्ट चेक करना है कि हमारी वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। पिन नंबर 22 पर अगर वोल्टेज नहीं आ रही तो हमारा सेट डेड रहेगा। तो ये हमारा ऑन ऑफ के लिए स्विच लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है SW। ये देख लें मैं आपको दिखा देता हूँ 12 वोल्ट और SW को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। ये दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे, ये वाला पिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पिन को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा जो कि पिन नंबर 22 पर कनेक्ट की गई है, वोल्टेज ड्रॉप करके कंट्रोलर कार्ड तक वोल्टेज पहुँचाई गई है। तो यही इसका सिस्टम वर्क करता है। तो ये देख लिए कैसे वर्क करता है, पूरा पिन डिटेल मैं आपको दिखा दिया हूँ कौन पिन कहाँ यूज़ होता है ये वाला कंट्रोलर कार्ड का। तो नेक्स्ट वीडियो मैं एक वोल्ट नियो पर बनाऊंगा। अगर आप चाह रहे हैं तो इसकी ड्राइव सेक्शन पर जो कि इसमें ड्राइवर ऐसी यूज़ होता है, ये वाला ड्राइवर ऐसी 72295 S72295 इसमें ड्राइवर ऐसी यूज़ होती है जो कि चार्जिंग सेंस भी यही करती है और ओवरलोड भी सेंस यही करती है। ये ड्राइवर ऐसी एक ही ड्राइवर ऐसी सारा कुछ यूज़ कर देती है। तो ये वाला आप चाह रहे पिन डिटेल तो मैं आपको बना कर दे दूँगा, मुझे कमेंट करें मैं आपको ये भी इसका भी पिन डिटेल बना कर दे दूँगा। तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो, आप फुल देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन पिन कहाँ यूज़ हो रही है। तो इसमें मैं लिखा नहीं हूँ कौन सी हाई ड्राइव है लो ड्राइव है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कौन हाई ड्राइव है और कौन लो ड्राइव है जो कि ड्राइव ऐसी पर इनपुट जाती है, ये वाला ड्राइव ऐसी पर इनपुट जाती है और ये आउटपुट देती है चारों चैनल पर ड्राइव देती है। तो हमारा सिस्टम इसी तरह वर्क करता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।